नमस्कार आदरणीय गुरुजनों, रसिकजनों, प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आओ सुने कहानी के तीसरे एपिसोड में आपके सम्मुख हैं। आज की कहानी है ठेस, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई, और कहानीकार हैं देवेंद्र चौबे जी, जो इसको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की जो कहानी है ठेस, उसका एक विशेष महत्व है। वो ये कि हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में जन्मे, और इस वर्ष हम उनकी जन्मशती भी मना रहे हैं। और जो कोविड महामारी का दौर चल रहा है, जिसमें लगभग सभी कलाकार इस महामारी के दौर में परेशानियों से घिरे हुए हैं, ये कहानी काफ़ी कुछ एक कथाकार के माध्यम से एक कलाकार की वेदना को बताती है। ये कहानी है एक कलाकार जिसका नाम है सिरचन। सिरचन गांव में रहता है, बुनकर का काम करता है, मूलतः कारीगर है, चिक बनाता है। आजकल इस तरह की चीज़ें गांव में दिखाई भी नहीं देती हैं। इस कहानी के जरिए रेणु यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कलाकार आत्मसम्मान का भूखा होता है, उसे अपने काम की कीमत नहीं, प्यार चाहिए। लेकिन जब कोई उसे प्यार नहीं देता है और पैसा देकर उससे काम करवाना चाहता है या अपने पैसे की धौंस दिखाता है, तो कलाकार को ठेस लगती है, कलाकार का दिल टूट जाता है, उसका काम करने में फिर दिल नहीं लगता है। ये कहानी एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसकी ठेस लगने के कारण वह अपने काम को बीच में छोड़कर चला जाता है और फिर वापस नहीं लौटता है। लेकिन क्योंकि उसका काम उस गांव के परिवार की बेटी मानू की विदाई से जुड़ा हुआ है, जो कि ससुराल जा रही है, और ससुराल के लोगों ने उसे चिक की कुछ चीज़ें मंगवाने के लिए कहा है, तो रेणु दिखाते हैं कि कलाकार काम छोड़कर तो चला गया, लेकिन अपनी कारीगरी की उसे चिंता है, अपने गांव की बेटी के आत्मसम्मान की चिंता है। वो अपने घर में जाकर सारी चीज़ें बनाता है, और जब बेटी मानू की विदाई हो रही होती है तो दौड़ते दौड़ते उसे सारा सामान दे देता है और सामान की कीमत नहीं लेता है, और कहता है सब चीज़ हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी।